अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ हैदराबादी खुलबुली। हैदराबादी खुलबुली जो बनाने में भी आसान है, माशाल्लाह खाने में भी जायकेदार है। इस आधा किलो चावल के लिए मैं ली हूँ 100 ग्राम से थोड़ी सी बढ़ के चने की दाल। अगर आप एक किलो चावल के बना रहे हैं तो 200 ग्राम 250 ग्राम के आसपास ले सकते हैं चने की दाल। मैं 100 ग्राम से थोड़ी सी बढ़ के ली। चने की दाल को धोने के बाद 1 घंटे के लिए भीगने छोड़ देना। 1 घंटा जब भीग जाती दाल तो उसमें 1 गिलास पानी डालकर उसको भगोने में खुले बर्तन में गलाने के लिए रख देना। कुकर में नहीं गलाना, कुकर में क्या होता है बहुत गल भी जा सकती या सख्त रहती, बीच अधर हो जाती। तो हम भगोने में गला ली, तकरीबन अच्छे से हमारी दाल गल गई। थोड़ा सा पानी है, पानी को भी हम सुखा लेंगे, जो पानी में इसकी जो टेस्ट रहता दाल का वो इसमें आ जाता। पानी फेंकना नहीं और टेस्ट करके पानी को भी ड्राई कर लेंगे दाल के साथ। और चावल है आधा किलो चावल है बासमती राइस, और इसको धो के 15-20 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ लें। खुबली की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैं ले एक बर्तन और खुबली का अखनी तैयार करेंगे। एक बर्तन ली मैं, इसमें डाली 150 ml ऑयल, अब 2 मीडियम साइज की प्याज, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, कच्चापन जाना इसका। अब फ्लेम को धीमा करेंगे, फ्लेम को धीमा करके अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची है, थोड़ी सी हल्दी है। फ्लेम को धीमा करके डालेंगे और कुछ सेकेंड तक इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें 1 टमाटर डाल रही हूँ मैं, ये टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं या डायरेक्ट दही डाल सकते हैं। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद दही डालेंगे। जब तक हमारी यखनी तैयार हो रही, जब तक हम उस पानी अधन का रख देंगे। पानी अधन का मैं रख दी, अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, और इसमें डालेंगे साबित गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, शाहजीरा, इलायची और थोड़ा हरा मसाला। पानी में उबाल आ गया, अब चावल डाल देंगे। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे। दूसरे चूल्हे पे चावल पकने के लिए रख दी मैं, और इसमें डालेंगे दही, 100 ग्राम गाढ़ा दही, 100 ग्राम से थोड़ा बहुत बढ़ के डाल सकते हैं आप। जो हमारी खुबली है अच्छी इस जूसी बनती है, बिल्कुल रूखी नहीं बनती, जूसी बनती है। अगर आप 1 किलो चावल की बना रहे हैं तो 250 ग्राम दही लेना। फ्लेम को तेज करके दही को भून लेंगे, इसका कच्चापन जाना और जो पानी अब दही में चले ले जाता वो सूखना। अब इसमें साबित गरम मसाला डालेंगे, दालचीनी, लौंग, शाहजीरा, इलायची और 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाले का पाउडर। अब इसमें डालेंगे जो चने की दाल को हम गला के रख लिए थे और जो पानी भी था उसको, पानी को भी सुखा लिए, चने की दाल में सुखा लिए, वो डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का लेमन का जूस, और इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। ये मोटी हरी मिर्ची मेरे पास थी, मैं डाली, आप चाहे तो जो डेली हम यूज करते हैं वो डाल सकते हैं, और थोड़ा सा कोथमीर पुदीना। एक चूल्हे पे हमारे चावल तैयार हो रहे हैं पकड़े, और दूसरे चूल्हे पे खुबुली की अखनी तैयार हो रही है। इस तरह से आइडिया से बनाना तो कम टाइम में हम झटपट बना सकते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, कम टाइम लगता और हमारा टाइम भी बच जाता, पकवान भी जल्दी हो जाता। अब इसमें जो एक्स्ट्रा थोड़ा पानी है उसको हम सुखा लेंगे। चलिए, जो एक्स्ट्रा पानी था इसका सूख गया। पानी सूख गया, अब इसको निकाल के साइड में रख देंगे। चलिए, हमारा चावल भी तकरीबन हो गया, 90% कम से कम इसको कुक करना। चावल हमारा 90% कुक हो गया, अब इसको निथार लेंगे।
अब इसका जो पानी है थोड़ा सा हम निकाल के इसको साइड में रख देंगे। ये क्या करते हैं जब बताती हूँ लास्ट में। इसको खुबली का जो हम तैयार करें सारी चीजें उसकी लेयर बनाएंगे। जो मैं पानी कटोरे में निकाली थी वो पानी है, थोड़ा सा पानी है, ये छोटी प्याली जितनी रहती उतना। अब इसके ऊपर हम चावल डालेंगे, इससे क्या होता बहुत अच्छा दम होती खुबली। पहले चावल की लेयर लगाएंगे, चावल की लेयर लगाने के बाद जो हम अखनी बना के रखे थे चने की दाल की उसकी लेयर लगाएंगे, फिर इसके ऊपर से चावल की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर से तली हुई प्याज डालेंगे। प्याज को अलग से भी तल सकते हैं, जब मैं पका रही थी जब भी आप इसको तल के रख ले सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे मछली बची हुई है वो डाल देंगे। अब इसके बाद जो चावल हम बचा लिए थे वो डाल देंगे। अब क्या करेंगे, हम थोड़ी सी इस पर डालेंगे तली हुई प्याज और थोड़ा सा डालेंगे असली घी और फूड ऑरेंज कलर। अब इसके ऊपर से हरा मसाला डालेंगे और स्वीट करके हरी मिर्चियां डालेंगे। अब इसको कवर कर देंगे धीमी फ्लेम पे ढाप के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के लिए मैं रखी थी, लेकिन जब 10 मिनट हो गए तो 10 मिनट में चेक कर लेना। 10 मिनट में अगर ड्राई हो गया, अच्छा पानी सूख गया तो निकाल लेना। अगर थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा तो फिर 15 मिनट कंटिन्यू करना, लेकिन मैं 10 मिनट में ही काफी हो गया। 10 मिनट में हमारा चावल अच्छे से दम हो गए, पानी जो था सूख गया। अब डिश में निकाले। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनी हमारी खुबोली। चावल इसका बहुत अच्छा खिला बना और इसका मसाला भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बना। चलिए माशाल्लाह हमारी खुबोली बहुत जबरदस्त बनी। वीडियो देखिए एंड तक और जरूर बनाइए। चलिए खुबोली की रेसिपी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ मुहर्रम में जो दूध का शरबत बनाते हैं वो दूध का शरबत। इसके लिए मैं लिए हूँ 1.5 लीटर गाढ़ा दूध और इसको गर्म करने के लिए रख दी। अच्छे से गर्म हो गया, बॉईल हो गया। अब इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1.5 लीटर ये दूध है। अब इसमें मैं शक्कर डाली 100 ग्राम से बढ़ के, टेस्ट करके कम है तो मैं डालूंगी। 1/2 टीस्पून डालेंगे इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर। शक्कर टेस्ट के लिए मैं थोड़ी कम सी तो और डाली। अब इसको अच्छा पका लेंगे। जो शक्कर मेल्ट हो जाती है तो दूध फिर पतला हो जाता है। दूध को फिर 5-10 मिनट धीमे पे पका लेंगे। इसके लिए मैं ली हूँ 1 मुट्ठी भर बादाम है, 1 मुट्ठी भर काजू है और पिस्ता है। इन तीनों को मैं भिगा लिया अच्छे से। और इसको क्या करेंगे हम, और इसका थोड़े काजू और थोड़े बादाम का पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट डालेंगे और ये बारीक कट कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। काजू बादाम का पेस्ट, शक्कर हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई। अब बादाम काजू का जो पेस्ट है इसमें डाल देंगे। इससे क्या होता, दूध में गाढ़ापन आता, दूध में गाढ़ापन भी आता और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता, टेस्ट भी अच्छा होता और हेल्दी भी रहता। अब इसको 5-7 मिनट हम धीमे फ्लेम पे अच्छा पका लेंगे। अब इसको 5-7 मिनट छोड़ देंगे या 7-8 मिनट इसको अच्छा छोड़ देंगे।
इसमें क्या होता है, जो बादाम और काजू का हम पेस्ट डाले उसका टेस्ट फ्लेवर दूध में अच्छे से आता। जब जब तक दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा, जब तक हम क्या करेंगे, काजू बादाम पिस्ता है इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। जब ये जब शरबत पीते वक्त ये जो पीसेस आते बारीक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, दूध की शरबत का मज़ा बहुत अच्छा आ जाता है। सारे बादाम काजू और पिस्ते 7-8 मिनट में इसको अच्छे से पका लें। अच्छा पक गया, अब फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे, रूम टेम्परेचर पे आना ठंडा हो लेकर। फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना है, अब ये नॉर्मल हो जाना, ये जो गर्म गर्म है इसको नॉर्मल कर। हमारा ठंडा हो गया। कोयलों को मैं जलने के लिए रखती हूँ। कोयला अगर बड़ा है तो एक इंच काफ़ी होता, मेरे पास बड़ा कोयला नहीं है इसलिए मैं छोटे छोटे 2-3-4 कोयले ले लिए। जो बादाम काजू पिस्ता हम बारीक काट के रखे थे वो डाल देंगे, और थोड़ा सा बचा ले सकते जब सर्व करते, जब भी ऊपर से डाल सकते। कोयलों को जला ले मैं ऊद का धुएं के लिए। इसके लिए एक मिट्टी का छोटा घड़ा ले लेना, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई भी बर्तन कोई भी डिश ले सकते। अब कोयले जो जलाए हम एक जगह कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे कोयले हैं ये, अगर बड़ा कोयला था तो एक ही काफ़ी है। अब ऊद कोई भी जनरल स्टोर में मिलता या कोई भी दवा सास के पास मिलता, ऐसे टुकड़े रहते ऊद के, उसको बारीक कूट लेना, कोई भी चीज़ से बारीक बारीक कर लेना। इस तरह से बारीक कर ली। अब जलते हुए कोयलों में ये डाल देना ऊद, और जल्दी से इसको जिस बर्तन में हम बना रहे हैं उसको इसके ऊपर उल्टा रख देना। इस तरह से अब मैं कटोरी ली, कटोरी की जगह आप छोटी तश्तरी ले सकते हैं आप, या फ्लैट जो ढक्कन रहता है सिल्वर का पुराना कुछ भी ले सकते, उसके ऊपर अच्छा टाइट जम जाती है। थोड़ी देर में रखिए स्मोकी फ्लेवर के लिए, जल्दी से इसका कवर कर देना। अब इसमें दूध डाल देना, तेज डाल देना दूध, और जल्दी कवर कर देना। माशाल्लाह ये ऊद का जो शरबत बना रहे हम, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, दूध में, दूध के शरबत में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए इस तरह से इसको कवर करके रखना, इसके अंदर अभी अच्छा सा धुआं है, देखिए धुआं है, इसको जब तक धुआं इसमें बरकरार रहता है उस तरह से ढाप के 10 मिनट के लिए छोड़ देना। सारा ऊद का जो फ्लेवर है, जो खुशबू है, दूध में अच्छे से आती है, जब दूध का शरबत पीते तो बहुत टेस्टी दिखता। आप इस मौके पर मुहर्रम के ज़रूर बनाइए। ऊद का धुआं आप घर में भी दे सकते, जब ठंडा मौसम रहता, ज़्यादा ठंडा के जाड़े रहते और मक्खियां मच्छर आपको महसूस होते, या घर में स्मेल अच्छी नहीं आ रही, या कोई भी मौके पर आप इसका धुआं घर में भी दे सकते। चलिए इसकी स्मोक ख़त्म हो गया, अब इसको जग में निकालेंगे। मैं कोई बताना है वीडियो में बल्कि मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन आप घड़े में रख देना तकरीबन 2-3 घंटे, जब तक आप पी रहे हैं इसमें से पीना अच्छा रहता टेस्ट। चलिए दूध के शरबत की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।